SC ST आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद रामशंकर कटहरिया की सुरक्षा में तैनात CRPF के जवान के पैर में गोली लग जाने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि सुरक्षा में तैनात CRPF का जवान कर्नल सिंह अपना वेपन साफ कर रहा था और अचानक गोली चल गई। गनीमत रही कि उत्तराखंड निवासी CRPF जवान कर्नल सिंह के पैर में ही गोली लगी। गोली की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे लोगों ने जख्मी जवान कर्नल सिंह को SN भर्ती कराया। भाजपा सांसद प्रवक्ता शरद चौहान ने जानकारी दी। ये आज सुबह की घटना है, करीब 11 बजे की। CIF जवान जो माननीय मंत्री जी की सुरक्षा में तैनात है, 22 श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है माननीय कठेरिया जी को, उसमें CIF के जवानों की एक पूरी अमाद यहाँ लगी हुई है, गार्ड जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये अपनी राइफल आज अपने शस्त्र साफ कर रहे थे सुबह, शस्त्र की सफाई करते समय पैर में एक गोली लग गई, जिस किसी तरीके से वो चल गई, जिस वजह से उनको कुछ मामूली चोट आ गई है और उनको हम लोग और उनके साथ के जवान तत्काल SN यहाँ इमरजेंसी में ले आए, उनको सारे फर्स्ट एड देने के बाद पट्टी कर दी गई है। बाकी की ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं और ठीक है। कौन जो साफ कर रहा था राइफल को? उनका नाम करहेल सिंह है, आप उत्तराखंड के रहने वाले हैं, CIF के जवान हैं, अभी 2 महीने पहले ही यहाँ आगरा ड्यूटी पर माननीय मंत्री जी की सुरक्षा में आए हुए थे। गोली कैसे लगी थी? सफाई करते समय अपने अपने शस्त्र की। जवान का नाम? करहेल सिंह। हाँ, खुद अपने अपने वेपन की सफाई कर रहे थे उसी समय किसी तरीके से वो दब गया, उसमें से एक पैर में लगती हुई निकल गई, तो थोड़े से इंजर्ड हो गए और पूरी तरह स्वस्थ। यह पहली घटना नहीं है इस तरह की लापरवाही से जान भी चली जाती है। फिलहाल जख्मी जवान सुरक्षित है। 7 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन चंदन सिंह के साथ गीतम सिंह की रिपोर्ट।